एवरीवन, वेलकम टू जादोन इंडियन किचन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे वनीला कस्टर्ड स्पॉन्ज केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है। कस्टर्ड स्पॉन्ज केक हम कैसे बनाएंगे उसके लिए गाइस आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं कस्टर्ड स्पॉन्ज केक हम किस तरह से बनाएंगे। केक बनाने के लिए हमने यहाँ एक केक टीन लिया है। इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास केक टीन ना हो तो आप कोई भी एक बर्तन ले सकते हैं और उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसके बाद इसमें थोड़ी सी मैदा लेकर इसे डस्ट कर लेंगे और एक्स्ट्रा मैदा को हम निकाल देंगे। ये देखिए केक टीन हमारा बन करके तैयार है। अब हम गैस ऑन करके एक भारी तले का बर्तन रखेंगे। मैंने यहाँ लोहे का तवा लिया है। तवे के ऊपर थोड़ा सा नमक डालकर फैला देते हैं और तवे को ढककर 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। तब तक हम केक का बैटर बना करके तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में हम एक एग को तोड़कर डालेंगे और बाउल के ऊपर एक छलनी रखेंगे और इसमें हम एक कप शुगर पाउडर डालकर इसे छलनी से छान लेंगे और एग और शुगर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ बीटर से बीट कर रही हूँ। आप इसे हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं। हमने इसे अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम एक छलनी फिर से इसके एक बोल के ऊपर रखेंगे और इसमें एक कप भर के मैदा डालेंगे। आधा कप हम वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर ले रहे हैं। आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर और एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डालकर सभी को छान लेते हैं। पहले से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक कप ये दूध लिया है मैंने। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बना करके तैयार करेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। अब हम इसमें बचे हुए दूध को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बैटर हमारा रेडी है। हमने ये 2 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी ली हैं। इसमें हम आधा चम्मच मैदा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टूटी फ्रूटी में मैदा डालने से ये केक में एक जगह बैठती नहीं है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब टूटी फ्रूटी डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब हम केक को बैटर को केक टीन में डाल देते हैं। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी से गार्निशिंग करेंगे ऊपर से। अब हम इसे 2 से 3 बार इस तरह से टैप करेंगे और इसे तवे पर एक स्टैंड रखकर केक टीन को रखकर अच्छे से ढक देते हैं। मीडियम फ्लेम पर 30 से 40 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। ओवन में हम इसे 180 डिग्री 30 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये देखिए 35 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए केक हमारा कितना अच्छा बेक हुआ है। सेंटर में हम इसे एक चाकू या टूथपिक से चेक कर लेते हैं। ये देखिए चाकू एकदम क्लीन आया है। केक हमारा बेक हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब इसे एक साफ टॉवल से ढककर रख देते हैं। केक को ठंडा होने देते हैं। जब केक ठंडा हो जाएगा तब हम इसे बाहर निकालेंगे। चाकू की सहायता से इसके किनारों को पहले अलग कर लेते हैं। केक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब केक टीन को उल्टा करके केक को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए टीन भी हमारा क्लीन आया है। चलिए इसे कट कर लेते हैं। कट करते ही आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट केक बना है। ये देखिए आप कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है हमारा। आप भी इसे घर पर बनाइए और मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जादोन इंडियन किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर।